जवाली के कोटला चौकी के अधीन पंचायत भाली में पाकिस्तानी टोपी पहने एक व्यक्ति को देखकर लोग दहशत में आ गए हैं। भाली में गुज्जर समुदाय के एक व्यक्ति ने पाकिस्तान के झंडे के निशान वाली टोपी पहन रखी थी और भाली के लोगों ने उसे देख लिया तथा लोगों ने उससे पूछताछ की। व्यक्ति अपना कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दे सका, जिस पर लोगों ने उसके साथ मारपीट की और तुरंत पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को हिरासत में ले लिया, जिसकी पहचान नियाज अली निवासी हरनोटा के रूप में हुई है। वहीं एसपी संतोष पटियाल का कहना है कि पुलिस ने मेडिकल करवाकर केस दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन जारी है। नहीं, वो संदिग्ध इस तरह से नहीं कह सकते उनको। ये लोग जो अभी तक सूचना मिली है तबलीग जमात के लोग थे और इनके साथ लोकल लोगों को कुछ बहस वगैरह हुई है और कुछ सफल भी हुई है। इसमें हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जैसी कार्रवाई होगी, जैसी जो इन्फॉर्मेशन होगी, मेडिकल वगैरह का जैसा आएगा उस तरह की कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। देवे हिमाचल वेब टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट। मैंने हाल ही में अधिशासी अभियंता जसवा प्रतापपुर मंडल का कार्यभार संभाला है तथा जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि प्रदेश में गर्मी पड़ रही है, तो अभी तक बारिश का हम कुछ संभव है नहीं कि भाई जल्दी आ पाएगी और पानी का क्राइसिस ना हो मंडल में, मंडल के अधीन पंचायतों में, गांव में। तो मैं आम जनमानस से अनुरोध करूँगा कि पानी का दुरुपयोग ना करें, किचन गार्डनिंग को अवॉइड करें, गाड़ियों का धोना रोकें तथा जो फ्रेश पानी यूजली लोग, ऐसा ट्रेंड है कि भाई रोज़ भरेंगे और उसको फेंक देंगे, ऐसा ना करें। अननेसेसरी स्टोरेज ना करें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही उपयोग में करें और अपने टैंक्स में, टंकियों में, अंडरग्राउंड टैंक्स में फ्लोट वॉल लगाएँ। साथ ही साथ डायरेक्ट लाइन में आप टुल्लू पम्प का उपयोग ना करें। मेरा अनुरोध रहेगा कि हम लोग जल्दी ही इंस्पेक्शन टीम्स भी बनाएंगे और जहाँ कहीं भी टुल्लू का इस्तेमाल किया जा रहा होगा वहाँ से हम कनेक्शन डिसकनेक्ट करेंगे और दूसरा मिसयूज़ करने वालों के भी हम कनेक्शंस नोटिस देने के बाद उनको भी डिसकनेक्ट कर देंगे। साथ ही मेरा अनुरोध रहेगा पब्लिक से, आम जनता से, कि विभाग का सहयोग करें। जहाँ कहीं भी उनको लीकेज नज़र आती है हमारे ध्यान में लाएँ, विभाग के कर्मचारियों के ध्यान में लाएँ ताकि उसको इमिजिएटली तुरंत ठीक किया जा सके। और हमारी तरफ से यथासंभव हम अपने स्टाफ के सभी फील्ड के जो ऑफिशियल्स हैं और ऑफिसर्स हैं, जेई स्टाफ, फील्ड स्टाफ, एसटीओ स्टाफ, इन सब को बोल के हम आपके इनके नंबर्स आपको फ्लोट कर देंगे प्रेस के माध्यम से और कंप्लेंट बुक्स पे भी इनके नंबर रहेंगे, जगह जगह साइन बोर्ड्स पे भी इनके टेलीफोन नंबर्स रहेंगे ताकि आप तुरंत किसी भी समस्या का समाधान हेतु हमसे संपर्क कर सकें। धन्यवाद। आप सब लोगों को विदित है कि गर्मी का मौसम पूरे स्विंग पे है और पानी की जो कंजम्पशन है एकदम इस सीजन में बढ़ जाती है, तो आप लोगों से ये विभाग गुजारिश करता है कि आप पानी का जो है बिल्कुल अच्छी तरह से सदुपयोग करें। इसमें सबसे जरूरी है कि नलों को व्यर्थ चलता हुआ ना छोड़ें। जब इसका पानी आप भर लेते हैं तो नलकों को आप एकदम पानी भरने के बाद बंद कर दें, क्योंकि अगर आप नलकों को खुला छोड़ेंगे तो 3-4 हजार लीटर पर डे पानी वैसे ही टपकते हुए नलों से, या कोई अगर थोड़ा कम बंद करते हैं उससे जो पानी जो है बहुत वेस्ट हो जाता है। दूसरा, जो पानी का इस्तेमाल जो है पेयजल को सिंचाई में ना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर सिंचाई में अगर पेयजल का आप इस्तेमाल करते हैं तो जो पेयजल का बड़ी किल्लत हो सकती है। विभाग इसमें अपना पूरा योगदान दे रहा है कि सब लोगों को प्रचुर मात्रा में पानी गर्मियों में मिल सके।